प्लस है, यानी ऐसे समझ लें सराइकी में कहूँ तो 65 साल से ऊपर है। तो बस ये आप फिटनेस को आप लगातार करते रहो तो फिटनेस बढ़ती है। फिटनेस को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। ऐसे से होके आया हूँ। असल आज जो मजा था ना वो था कि बारिश है, हवा है, सर्दी है, तो इसमें चलाने का अपना ही एक मजा होता है। बहरहाल ख्याल ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि साइकिल स्लिप हो सकता है। बहरहाल ये तकरीबन मेरे ख्याल में 24-25 किलोमीटर दूर हो जाएगा। दरवेश खान बहुत अच्छा चैनल है, मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और देखता भी रहता हूँ। तो बड़ी अच्छी काविश है आप लोग, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। साइकिल तो यार मैं बड़े अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे पास 3-4 साइकिल हैं। ये इसको रोड बाइक कहते हैं। तो ये रोड पे तो बहुत अच्छा चलता है लेकिन ये कच्चे में नहीं जा सकता। मेरे पास एक और है माउंटेन बाइक जो कच्चे में चलता है। मेरी माउंटेन बाइक है। माउंटेन बाइक है तो माउंटेन बाइक रोड पे जरा स्लो होता है लेकिन कच्चे में वो ठीक चलता है। गियर कितने हैं? गियर इसके 22 होंगे, 22 गियर है इसमें। 22 तो ये जायंट है। मेरी के 7 पीछे और 3 आगे हैं। बस इसके 10 पीछे और 2 आगे। बस इसको जैसे आप देखें अच्छी तो है, चलाते हैं और ये एक्सरसाइज करता है। लाइट वेट तो ऐसी है कि आप इसको उंगली से उठा लें लेकिन फिर भी अपना वजन तो खींचना पड़ता है। जितने भी लाइट वेट हो अपना वजन तो आपको खींचना पड़ता है ना। रोड पे तेज जाती है और इसकी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आप पूछना चाहते हैं कि मेरी उम्र क्या है? उम्र मेरी 65+ है, यानी ऐसे समझ लें सराइकी में कहूँ तो 65 साल से ऊपर है। तो बस ये आप फिटनेस को आप लगातार करते रहो तो फिटनेस बनती है। फिटनेस को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, ऐसे तो फिटनेस नहीं आती। कोशिश कावश करनी पड़ती है तो फिर ही आप चला सकते हो। तो हम आज बात अच्छी अगर कंपनी मिल जाए और दोस्त हो जाए इकट्ठे तो हम 100-100 और 120 किलोमीटर तक भी लगा लेते हैं। सर आजकल के नौजवानों के लिए आपका कोई पैगाम? आजकल के लिए नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि अपनी सेहत को संभालें और जितना बचपन से इसको संभालेंगे तो जवानी में और बुढ़ापे में ये आपका साथ देगी। और अगर आपकी सेहत है तो आपकी होप है। होप का मतलब क्या होगा सराइकी में? आपकी उम्मीदें हैं। सेहत है तो उम्मीदें हैं, अगर सेहत नहीं तो फिर उम्मीदें भी खत्म। सवाल है सेहत होना चाहिए आदमी के पास पैसा? ये तो ऐसे नहीं है, दोनों चीजें इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बहरहाल अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूंगा कि सेहत जो है वो ज्यादा अहम है और वैसे तो दोनों चीजें जरूरी हैं और साथ साथ ही चलती हैं। तो अलबत्ता कई लोग ऐसे करते हैं कि पैसे की खातिर सेहत को दाव पे लगा लेते हैं या तबाह कर लेते हैं, वो बुरी चीज़ है जी।
और कई ऐसा करते हैं कि सिर्फ सेहत पर ही तवज्जो देते हैं, ज्यादातर जिंदगियां स्मोक की वजह से चली जाती है। वो बिल्कुल ऐसे है, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए वजन का। जो हमारे डाइटिंग में बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मेरा एक तरीका है कि मैं बहुत कम खाता हूँ। खाते रहते हैं? नहीं, सिर्फ कम खाता हूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जब भी मैं खाऊं मेरे ऊपर बोझ मुझे महसूस नहीं होता। तो इस तरीके से आज बारिश का दिन था और आपकी बड़ी मेहरबानी। ये आज तो मेरे ख्याल में 24-25 किलोमीटर हो जाएगा। बारह स्पीड अच्छी रही है, बारिश के होने की वजह से स्पीड अच्छी रही है। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपने मेरा इंटरव्यू किया। नहीं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई सर।